खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी फरियाद लेकर आए पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक पत्र के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है और कहा कि हमारी जमीन में घर है जिसमें घर के अंदर से नाली निकाली जा रही है, जिसको लेकर SDM से शिकायत की गई है, फिर भी दबंगई के बल पर नाली का निर्माण कराया जा रहा है और गंदे नाले का पानी से घर में गिराया जा रहा है। गंदे नाले का पानी गिरने से काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और दबंगों के चलते हम लोग काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। निधि सिंह के साथ बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सैनी। कहाँ के रहने वाले हैं? नगरा नगर पंचायत नगरा वार्ड नंबर 13। क्या आप मामला है वीरेंद्र, यहाँ पे आए हैं? मामला ये है कि मेरा जमीन 9.5 डिसमिल है और 9.5 डिसमिल में काबिज हम 4 डिसमिल अपने मकान हम बना रहे हैं, उसमें मेरे भैया भाभी का मैंने उसमें हिस्सा है और बना रहे हैं और वहाँ पे नाली का मृत्यु था और ज़बरदस्ती उसमें नाली बहवाया जा रहा है। SDM साहब ने 6-7 पेपर पर साइन करके दिया है कि घर में नाली नहीं बहेगा, लेकिन पूर्व शनिवार से बोल रहे हैं तो कि घर में बहेगा और नगरा प्रभारी भी बोल रहे हैं कि आपके घर में ही पानी बहेगा। क्यों घर में पानी बहेगा? जबरदस्ती कर रहे हैं और गांव के सभी लोग मिलकर एकजुट होकर कर रहे हैं, लेकिन पीछे मजार है, उसमें मुसलमान व्यक्ति अधिकतर लोग मेरे पक्ष में हैं कि उसमें पाइप नहीं डाला जाएगा। ये कैसी जमीन है? ये जमीन नंबर की जमीन है, 9.5 डिसमिल मेरे पिताजी के नाम से, श्री मोती चंद पुत्र धर्मदेव और शिवनाथ स्वर्गीय धर्मदेव। इसकी शिकायत कहाँ का की है आप? इसकी शिकायत तो पोर्टल पर भी कम से कम 10 बार डाले हैं, पोर्टल पर कोई सूचना नहीं मिला है और 3 बार SDM साहब के यहाँ 4थी बार आ जाए हैं और SDM साहब के पास कम से कम 10 बार गए हैं, 6 पत्र मेरे पास उनका है, SDM साहब लिखे भी हैं और फिर अब ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि पानी घर में ही तुम्हारे बहेगा, पानी पाइप डलवाएंगे, घर छेद कर पाइप डलवाएंगे और सभी लोग इसमें मिली भगत है SDM द्वारा, SDM और ये सब और नायब तहसीलदार साहब DM साहब भेजे तो ये इनके ऊपर भी हमला कर दिया गया। ये कहे कि नहीं 20 रास्ते से निकल जाए नाली, नाली का 2 रास्ता है, पूर्व और उत्तर 2 रास्ता है, तो पूर्व वाला उनको सहज लग रहा था कि ठीक है कम से कम 30 फीट है, 30 फीट में पाइप पड़ जाएगा तो पानी का निकास हो जाएगा, उसके ऊपर गांव के लोगों ने नायब तहसीलदार साहब पर हमला कर दिए, 3-3 बार कर दिए, 1 बार नहीं 3-3 बार 100 लोग 100-150-200 की संख्या में उनके ऊपर हमला कर दिया। वो क्या करें अकेले, वो